वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल एलएबी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मारपीट के संबंध में एफआईआर दर्ज कैसे कराएं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि अगर कहीं पर किसी प्रकार से कोई मारपीट होती है और उसमें अगर कोई रिपोर्ट दर्ज होती है तो शुरुआत में तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी कि अब तो भाई आरोपी की खैर नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उस पर तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। लगता है पुलिस कहीं जो आरोपी पक्ष है उनसे मिल तो नहीं गई है, कहीं उन्होंने पैसे तो नहीं खिला दिए हैं। आप ऐसा सोचते हैं और पुलिस के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि पुलिस ने ऐसा अपना बिहेवियर बना लिया है या फिर वो इतनी ज़्यादा करप्ट हो चुकी है कि लोग बड़ी जल्दी उन पर उंगलियाँ उठा देते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आपकी क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने उनको कितना अटेंड किया। अगर आप एफआईआर कराने के बाद यानी कि कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आप ये सोचते हैं कि भाई उस पर कार्रवाई हो जाएगी तो आप गलत सोचते हैं, ठीक है ना। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मारपीट के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है तो उसके बाद आपको क्या फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेनी चाहिए, किस तरह से रिपोर्ट लिखानी चाहिए, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अफजल LLB को और दबाइए वेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई समूह अगर आपके साथ कोई मारपीट करता है और आप चाहते हैं कि आरोपियों को दंड मिले, सजा मिले और आप उनके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं, तो ऐसे मामले में आपको चाहिए कि आप सबसे पहले एक तहरीर लिखें और तहरीर में वो सारी बातें लिखें कि आपके साथ किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। ध्यान रहे, तहरीर लिखते समय आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि उस समय तारीख कौन सी थी, दिन कौन सा था, कहाँ पर आपके साथ मारपीट की गई, वो भी घटना भी आपको एक्सप्लेन करनी है। घर के अंदर मारपीट हुई है, घर के बाहर मारपीट हुई है, आप कहाँ पर थे, ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। घटना के समय कौन, मतलब कितने कितने लोग थे, किसने आपको बचाया, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है तहरीर में। अब बात करते हैं कि जब आप तहरीर को थाने में लेकर जाते हैं, थाना प्रभारी को जब तहरीर देते हैं, तो जब आप तहरीर देंगे थाना प्रभारी को तब भी आपको एक्सप्लेन करना है, थाना प्रभारी को सारी बातें आपको बतानी है कि किस तरह से घटना को आपके साथ अंजाम दिया गया, किस तरह से आपके साथ मारपीट की गई, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टमेटिक तरीके से कि किस तरह से अगर आप बोलते हैं तो क्या लिखा जाएगा, मतलब NCR लिखी जाएगी या फिर FIR लिखी जाएगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ मारपीट के संबंध में। अगर आप थाना प्रभारी को ये बोलते हैं कि आपके साथ मारपीट हुई है, समझ लीजिए अगर आप ये बोलते हैं कि मारपीट हुई है और आपको गाली गलौज दी गई हैं, तो आपका मामला असंघीय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत IPC की धारा 323 और 504 के तहत NCR दर्ज कर ली जाएगी। समझ लीजिए, ऐसे मामले में NCR दर्ज होती है, FIR दर्ज नहीं होती है। और ऐसे मामले में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के यानी कि CRPC की धारा 155(2) के बिना ऑर्डर के पुलिस आगे की कार्रवाई नहीं करती, यानी कि अगर आपकी जो रिपोर्ट दर्ज हुई है वो 323 और 504 के तहत दर्ज हुई है तो उसमें पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाली है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी है तो पुलिस उस पर अब आरोपी को दंड देगी या उस पर अब केस चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपके मामले में NCR दर्ज हुई है तो आपको सबसे पहले NCR की कॉपी लेनी है, थाना प्रभारी वो आपको देगा। लेने के बाद आपको एक अच्छा सा वकील करना है और वकील करने के बाद अदालत से 155(2) के तहत ऑर्डर कराना है मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट का काय के लिए, NCR पर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। जो आपके द्वारा NCR दर्ज की गई है, जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, इसके लिए मजिस्ट्रेट से आपको ऑर्डर कराना है, जो ऑर्डर CRPC की धारा 155(2) के तहत करेगा, ठीक है। ऑर्डर मिलने के बाद जो आपकी NCR दर्ज हुई है उस पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। पहली बात, मान लीजिए कि अगर आप मारपीट का बोलते हैं, मारपीट हुई है और गाली गलौज हुई है, तब तो ये होगा कि आपके खिलाफ जो है आपके हित में NCR हो जाएगी, ठीक है, और आरोपियों पे कार्रवाई होगी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर के बाद। लेकिन अगर आप थाना प्रभारी को ये बोलते हैं कि आपके साथ मारपीट की गई है, ठीक है, आपको धारदार हथियार से आप पे जो है हमला किया गया, ठीक है ना, और आपके अगर घाव भी है, ठीक है, ऐसी कोई चोट भी लगी है धारदार, तो ऐसे मामले में जो आपका मामला है वो 323 और 324 और 504 के तहत दर्ज किया जाएगा, यानी कि
आपके साथ मारपीट हुई है, धारदार हथियार से हमला किया गया है, यानी कि धारदार हथियार से आपको चुटैल किया गया है, आपके ऐसी चोट लगी है धारदार, तो उस मामले में 324 लग जाएगी, और आपको गाली गलौज भी दी गई है तो उसके लिए 504 लग जाएगी। तो ऐसे मामले में FIR दर्ज होगी। अगर FIR दर्ज हो रही है, समझ लीजिए, अगर FIR दर्ज हो रही है तब आपको किसी प्रकार के किसी ऑर्डर की लेने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस उस पर अपने आप कार्रवाई करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप थाना प्रभारी को ये बोलते हैं कि आपके साथ मारपीट हुई है, गाली गलौज आपको दी गई हैं, और अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई है शरीर के कहीं किसी भी अंग की, अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो आप थाना प्रभारी को ये बोलते हैं कि पैर की हड्डी या उंगली की कोई हड्डी अगर फ्रैक्चर है, तो ऐसे मामले में यह मामला एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और IPC की धारा 325 के तहत दर्ज किया जाएगा FIR के रूप में। इस मामले में भी आपको किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कराने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस अपने आप ही इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, पहली बात, ठीक है। अगली बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप थाना प्रभारी को ये बोलते हैं कि आपके साथ कोई ऐसी मारपीट की गई है जिसमें आपका कोई अंग भंग हो गया हो, समझ लीजिए, अगर आपके साथ कोई ऐसी मारपीट की गई है जिसमें आपका कोई अंग भंग हो गया हो, यानी कि आपका अगर दांत टूट जाता है, ठीक है, शरीर का कोई भी हिस्सा कट कर अलग हो जाता है, या कान काट दिया जाता है, या पैर की कोई उंगली, हाथ पैर की कहीं की कोई उंगली अगर काट दी जाती है, ठीक है, और या फिर आपका दांत टूट जाता है, तो ऐसे मामले में यह मामला IPC की धारा 326 के तहत एक संज्ञेय अपराध माना जाता है और ऐसे मामले में भी FIR दर्ज होती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर नाखून का बाहर का हिस्सा कटता है तो कोई भी अपराध, यानी कि तब सिर्फ मारपीट का मामला लगेगा, क्योंकि जो नाखून का बाहर हिस्सा है वो बेजान माना जाता है, लेकिन अगर नाखून का अंदर का हिस्सा आपके शरीर से अलग होता है, यानी कि जो नाखून होता है ना, ये वाला हिस्सा अगर अंदर से निकल जाता है, तो उस मामले में भी 326 लगेगी, जो कि एक संज्ञेय अपराध माना जाता है, और इस मामले में FIR दर्ज होती है। FIR के मामले में आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही FIR दर्ज हुई मामले पर कार्रवाई होना शुरू। समझ लीजिए, एक बात और बताता हूँ, अगर आरोपी आपको धमकी देता है, समझ लीजिए अगर आपको जान से मारने की धमकी देता है, तो ऐसे मामले में थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप ये बोलते हैं कि आपके साथ मारपीट की गई है और आपको धमकी दी गई है, या फिर आपको गाली गलौज भी हुई है और धमकी भी आपको दी, यहाँ पर मैंने धमकी शब्द जोड़ दिया है, जान से मारने की धमकी, तो अगर आपके साथ नॉर्मली मारपीट हुई है और आपको धमकी दी गई है, तो ऐसे मामले में भी FIR दर्ज होगी और पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी। 506 जो धारा होती है धमकी देने की, ये संघीय अपराध की श्रेणी में आता है। अगर ऐसा कोई मारपीट के दौरान कोई व्यक्ति धमकी देता है, तो ऐसे मामले में FIR दर्ज होती है। ऐसे मामले में भी आपको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले में भी FIR दर्ज होगी। अब आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद अगर आपके चोटें हैं, यानी कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई चोट आई है, तब आपको थाना प्रभारी को बताना है कि आपके चोटें आई हैं, तो थाना प्रभारी क्या करेगा कि आपको एक मजरूह चिट्ठी देगा। अगर वो नहीं दे रहा है तो आपको कह के बोलना है कि आपके चोटें आई हैं और आपको मेडिकल कराना है। उस मजरूह चिट्ठी को लेकर के आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो सरकारी अस्पताल होता है, वहाँ पर आपको लेके जाना है और वहाँ से आपको अपना मेडिकल कराना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, क्योंकि मजरूह चिट्ठी होगी तो उसके आधार पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल हो जाएगा। जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी उसकी आपको फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लेनी है, और जो ओरिजिनल है वो हो सकता है कि थाना प्रभारी आपसे ले ले, वो जाहिर सी बात है कि वो ले लेगा आपसे, तो वो ले लेगा, लेकिन उसकी फोटोकॉपी आप अपने पास करा के रख लें। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद थाना प्रभारी मामले को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। अगर आपके पास पहले से ही मेडिकल रिपोर्ट है तो पुलिस उस मामले में इतनी आसानी से FIR नहीं लगा सकती है, ऐसे मामले में चार्जशीट ही लगेगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई जो है पुलिस जो है विपक्ष से ना मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है तो आपका मामला बहुत ज़्यादा मजबूत है और पुलिस इतनी आसानी से FIR नहीं लगा सकती। लेकिन अगर कहीं पर भी आपके केस में कोई कमजोरी आती है, यानी कि मान लीजिए कि जो आपने गवाहों को लिखाया है कि इन लोगों ने देखा, अगर वो ही पलट जाते हैं तो बात अलग है। मतलब ये है कि आपको ये चाहिए कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आपको चाहिए कि आप अपने जो गवाहों को लिखाया है उनके साथ आप बैठक करें, ठीक है ना, उनके साथ आप मीटिंग करें और घटना को एक्सप्लेन करें कि आपने जो रिपोर्ट लिखाई है वो किस तरह से लिखाई है, ठीक है ना, और अगर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो आपको किस तरह से गवाही देनी है, यानी पुलिस को जो बताना है वो आपको किस तरह से बताना है, तो ये सारा तरीके होते हैं
कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराने के। यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, गवाहों से भी आपको बात करनी है, घटना को पूरी तरह से सही तरीके से लिखाना है, टाइम डेट ठीक है, कितने लोग मौजूद थे, कितने लोगों ने आपको बचाया ठीक है ना, वो सारा कुछ, कितने लोग थे, किस चीज़ से हमला किया गया, आपका क्या नुकसान हुआ, जो भी मारपीट की गई उसमें आपका क्या नुकसान हुआ, आपके कोई गंभीर चोट आई है, कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई है, कोई अंग भंग हुआ है, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है और यही सही तरीका है सही रिपोर्ट दर्ज कराने का। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।